सड़क पर कूड़ा फेंका हुआ है और आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा किस प्रकार से वो जो गाय है वो इसे कूड़े को खा रही है। माँ और गाय दोनों बराबर है और भारत माता एक ही है। हम लोग तीन को हम रेस्पेक्ट करते हैं। ना हम गाय का आदर कर रहे हैं, ठीक है, धंधा का सोर्स बना दिए हैं, और माँ का तो आज के डेट में परिवार में कोई वैल्यू नहीं है। जो लड़का कमाने निकल गया वो माँ और बाप का संस्कार समझ में वृद्धा आश्रम है। जो जितना कमाए उतना ही वैल्यू नहीं है अपने माँ बाप का। अगर पानी पीना होता है तो इसमें आकर पानी पीती है नाले में का। ये है हमारे भारत में गौ माता का स्थिति और ये गाय है। पटना में 6-7 साल से रह रहा हूँ मैं, यही खगोल रोड में रहता हूँ। यहाँ मैं जो देख रहा हूँ, लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन सच्चाई ये है कि गाय एक धंधा बन गया आज के डेट में भारत में। यहाँ मैं पूरा रहा तो दिल्ली में भी हूँ, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ बिहार में स्पेशली पटना में कि गाय को सुबह में खोज के लाया जाता है, खटाल में लगाया जाता है, दुहा जाता। और नहीं, दूध तो बाद में दुहा जाता है, उसको सबसे पहले अनाज के नाम पे कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा भूसा दे दिया जाता है, हल्का सा चोकर डाल के, उसके बाद सबसे पहले इंजेक्शन लेके उसको घोप के उसे दूध निकाल दिया जाता है। कॉलोनी का जो कचरा होता है वो फेंका हुआ रहता है इधर उधर, तो वहाँ पे किस प्रकार से जो गाय है वहाँ पहुँचती है और कूड़ा जो है वो अपने पेट में लेकर जाती है, यानी कि कूड़ा खाती है। कहीं भी रोड के किनारे नली नहीं बना हुआ है। कभी कभी ऐसा देखिएगा कि रोड के किनारे नली में गाय गिर जाती है और उसको निकालने वाला भी कोई नहीं रहता है। गाय सड़कों पे मरी, गाय सड़क पे गंदगी खा रही है, ये खा रही है। शाम को ग्वाला या जो भी लोग गाय का धंधा करते हैं वो लोग पकड़ के लेके जाते हैं 4 बजे, फिर गाय को दूते हैं, फिर सुई घोपते हैं और शाम में, और बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाता है और गाय को भारत में माता माना जाता है, यानी कि कहा जाता है गाय हमारी माता है। लेकिन अब देखिए किस प्रकार से सड़क पर कूड़ा फेंका हुआ है। ये हम पटना की दानापुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, सड़क पर कूड़ा फेंका हुआ है और आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा किस प्रकार से वो जो गाय है वो इसे कूड़े को खा रही है, यानी कि इस प्लास्टिक का जो पूरा रैपर है उसके बाद से कचरा है उसको खा रही है। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। हम दिखा रहे हैं आपको विजुअल के माध्यम से किस प्रकार से एक गाय बीच सड़क पर फेंका हुआ कूड़ा उस पर खाना खाती है और उस पर खा कर अपना पेट जो है वो पूरा करती है। ये गलती उनकी भी है जो लोग गाय को सिर्फ और सिर्फ दूहने के माथे से रखते हैं, सिर्फ दूहने के लिए रखते हैं, सुबह दूह के छोड़ देते हैं, फिर शाम में फिर उनको दूह के छोड़ देते हैं। दूध निकालने के बाद उनकी जो पूरी कहानी है वो अलग हो जाती है, यानी कि पहले उनको चारा दिया जाता है, अलग अलग गाय का जो खाना होता है वो दिया जाता है, उसके बाद से गाय को दूध लेने के बाद उसके बाद ऐसे खाना दिया जाता है। और देखिए अगर पानी पीना होता है तो इसमें आकर पानी पीती है नाले में का। ये है हमारे भारत में गौ माता का स्थिति और ये गाय है, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से सड़क के बीच में गाय को छोड़ दिया गया है, अगर पैर स्लिप करेगा तो नीचे चली जाएंगी और उसके बाद से किस तरीके से अपना पेट जो है वो भरने के लिए सड़कों पे का खाना जो है वो खा रही है। अब आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं किस प्रकार से जब कॉलोनी का जो कचरा होता है वो फेंका हुआ रहता है इधर उधर, तो वहाँ पे किस प्रकार से जो गाय है वहाँ पहुँचती है और कूड़ा जो है वो अपने पेट में लेकर जाती है, यानी कि कूड़ा खाती है। आपको साफ तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि प्लास्टिक खाने से उनको कितनी हानि होती है, क्या क्या होता है वो आप सब भी समझते होंगे और जो नहीं समझते होंगे वो गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि प्लास्टिक खाने से क्या कुछ होता है और अगर गाय प्लास्टिक खाती है तो उस पर क्या कुछ बीत सकता है। हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, कुछ लोग होंगे जो कमेंट में आकर बोलेंगे इस चीज़ को लेकर कि आप ऐसी खबरों को दिखा रहे हैं, लेकिन ये खबर बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए है कि पटना के अलग अलग सड़कों पर अलग अलग जगहों पर आपको गाय खुला मिल जाता है, गाय खुला छूटा सांड मिल जाता है, इसी कारण से काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं और एक्सीडेंट्स के साथ साथ इस तरीके का जो तमाम भोजन जो गाय के लिए लोग कहता है कि भोजन देते हैं और उसके बाद से लोगों को देते हैं खाना। चलिए यहाँ एक भैया आए हुए हैं, गाय को खिला रहे थे क्या? अच्छा एक बात बताइए, गाय को इस तरीके से लोग सड़क पर छोड़ देता है, वहाँ पर देखिए प्लास्टिक खाती है, कभी लगता है कि ये चीज़ गलत है, लोग सिर्फ गाय को दूध दूहता है और छोड़ देता है। बात तो सही है, तब ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार क्या कहे, सरकार अलग अलग का मतलब गौशाला में जाके देखेगी थोड़ी, जो व्यक्ति गाय रखता है उसको इस बात का ध्यान देना चाहिए। उसको ध्यान देना चाहिए ना। आप भी अभी गाय को ही साथ खिलाने आए थे क्या? अच्छा, गाय खिलाने आए थे। चलिए यहाँ भी एक भैया रुके, इनसे भी पूछेंगे हम कि
बताइए, सड़क पे चलते हैं बाइक से, कभी गाय बीच में आ जाती होगी, कभी गाय को आप देखते होंगे कि कचड़े में घुस के खाना खा रही है, तो लगता है उस चीज से कि नहीं दिक्कत हो रही है आपको, क्योंकि भारत में गाय को माता माना जाता है। सर मेरा जो एक्सपीरियंस है, हाँ, मैं यहाँ पे पटना में 6-7 साल से रह रहा हूँ, मैं यही खगोल रोड में रहता हूँ। हाँ। यहाँ मैं जो देख रहा हूँ, लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि गाय एक धंधा बन गया आज के डेट में भारत में। यहाँ मैं पूरा रहा तो दिल्ली में भी हूँ, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ बिहार में स्पेशली पटना में कि गाय को सुबह में खोज के लाया जाता है, खटाल में लगाया जाता है, दुहा जाता। और नहीं, दूध तो बाद में दुहा जाता है, उसको सबसे पहले अनाज के नाम पे कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा भूसा दे दिया जाता है। हाँ। हल्का सा चोकर डाल के उसके बाद सबसे पहले इंजेक्शन लेके, हाँ, उसको घोप के, हाँ, उससे दूध निकाल दिया जाता है। हाँ। घर घर जाके दिन सुबह में अगर गिनती कीजिएगा, हाँ, अगर 10 लीटर दूध देती है तो उसको 4-5 बार सुई डाल के उससे दूध निकाला जाता है। और ये लोग क्या करते हैं कि गाय से सुई से घोप के दूध तो निकाल लिए, कमा लिए, और उस पैसे को अपने पॉकेट में रख लिए और गाय को छोड़ दिए, रोड पे छोड़ देते हैं। कोई अब पटना ही जैसे इधर दानापुर की बात कीजिएगा, कहीं भी रोड के किनारे नली नहीं बना हुआ है। कभी कभी ऐसा देखिएगा कि रोड के किनारे नली में गाय गिर जाती है। हाँ। और उसको निकालने वाला भी कोई नहीं रहता है। गाय सड़कों पे मरी, गाय सड़क पे गंदगी खा रही है, ये खा रही है, शाम को ग्वाला या जो भी लोग गाय का धंधा करते हैं वो लोग पकड़ के लेके जाते हैं 4 बजे, फिर गाय को दूते हैं, फिर सुई घोपते हैं। हाँ। सुबह शाम यही काम है, न भूसा न हरा न कुछ देना नहीं है, बस पैसा कमाना है और पॉकेट में रखना है। और गाय का जो पूजा होता है, गाय गोवर्धन पूजा में, गोवर्धन पूजा में गाय को सजा देंगे, कितना गाय से इनको प्रेम है। हाँ। बस गाय सिर्फ एक पैसा देने का जरिया है। हाँ। और गाय का सेवा के नाम पे जीरो है। आपको नहीं लगता ये बहुत छोटा छोटा बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने में बात बड़ा होता है, क्योंकि उसी का दूध हम और आप पीते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है जैसा अनाज खाएगा वैसा बुद्धि होगा। एक कहावत है ना सर, माँ और गाय। हाँ। दोनों बराबर है और भारत माता एक ही है, हम लोग। हाँ। तीन को हम रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ। ना हम गाय का आदर कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, धंधा का सोर्स बना दिए हैं। हाँ। और माँ का तो आज के डेट में परिवार में कोई वैल्यू नहीं है। नहीं। जो लड़का कमाने निकल गया वो माँ और बाप का संस्कार समाज में वृद्धा आश्रम है, जो जितना कमाए उतना ही वैल्यू नहीं है अपने माँ बाप का। लेकिन ये चीज सरकार को क्या हर आदमी के अंदर अंतरात्मा से सोचना चाहिए, जिस चीज से हम कमा रहे हैं उसको हम इज्जत नहीं दे रहे हैं, ना हमको उसको सेवा करना है, काली सुई घोप के दूध निकाल के रोड पे छोड़ देना है, पब्लिक आ रहा है, गाड़ी पे ट्रैफिक लन फन यही हो रहा है, काफी एक्सीडेंट भी होते हैं इसके कारण। एक्सीडेंट सर, गाय रोड पे नली में किनारे कहीं कुछ भी, गाय का तो देखिए एक्सीडेंट तो होता ही है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो गाय का धंधा करते हैं उसको गाय को इज्जत देना चाहिए, खिलाना चाहिए, ना कि खाली सुई सुबह शाम 5-5 को सुई घोप के उसको मार देना। देखिए गाय का आयु जो है 15-20 साल होता है, लेकिन आज पटना में इस तरह ही हाल है कि गाय का आयु 4-5 साल, 7-8 साल खत्म हो जाए, 7-8 साल एक गाय अगर एक खरीद के लाता है राय जी या ग्वाला या जो भी इसका धंधा करते हैं, वो लोग गाय को सुई से ये हालत कर देते हैं कि उस गाय की आयु 4-5 साल मैक्सिमम है। एक बीमारी हो गया गाड़ी में, गाय में कोई एंटीबायोटिक या कुछ भी लड़ने का बीमारी का शक्ति जो है खत्म है, और उसमें सुई घोप के रखिएगा तो एंटीबायोटिक कि किसी भी बीमारी से लड़ने का क्षमता होगा गाय में नहीं, नहीं होगा, उसको खाना मिल नहीं रहा है सही से, सुई घोप के बस काम चल रहा है। सबसे पहले सरकार को ये जो सुई घोपने वाला सिस्टम है ना, और गाय पे रोड पे पकड़े तो उसको तुरंत खींच के ले जाना, वन विभाग के द्वारा जो बस। हाँ। वन विभाग तो खुद करप्ट है। हाँ, वन विभाग ही करप्ट है, करप्ट है। अगर करप्ट नहीं होता तो रोड पर कैसे गाय घूम रही है? हाँ। क्या कर रहा है वो वन विभाग? लेकिन सरकार सब कुछ तो नहीं कर सकती है ना, उसमें नागरिकों को भी सतर्क होना सर है। तो नागरिक का तो सबसे बड़ा कमी है, नेता कोई कमी नहीं है, सब हम ही लोग में कमी है। हाँ। हम वोट करते हैं गलत आदमी को, बिहार में जाति और पार्टी पे ही वोट होता है, जिसका उपयोग ये लोग कर रहे हैं। आम जनता इसका उपयोग नहीं कर रहा, आम जनता सिर्फ 500 रुपया लेके वोट कर देता है, और बिहार में जाति और पार्टी के चक्कर में बिहार 30 या 40 साल, अगले 40 साल तक भी बिहार गर्त में रहेगा, कि यहाँ का छोटा छोटा इंफ्रा जिसपे काम करना है वो तो होता ही नहीं है। बिल्कुल।
पिछले 40 साल से 10,000 आदमी का नौकरी के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया है, चाहे भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, या कोई भी जेडीयू हो। कुशासन का सरकार है, करने के लिए कुछ नहीं है। दारू बिक रहा है मार्केट में, चलिए दारू की तो बात अलग है, हम गाय की बात कर रहे हैं। गाय तो सर गाय माता है, लेकिन कहने के लिए माता है, बस रोड पे जहाँ देखिए वहाँ भाता है। हाँ, तो चलिए गाय, बहुत अच्छा इन्होंने बात कही है और बहुत ही सही बात कही कि भाई सुबह शाम जो है सुई वो लगाना है और दूध निकालना है बहुत ज्यादा। ये बात आपको हो सकता है कोई दर्शक होंगे उनको चुभे, लेकिन ये बात सत्य है। हम दिखाते हैं किस प्रकार से जो गाय है वो आप सड़कों पे छोड़ दी जाती है और उसके बाद से उनको छोड़ने के बाद वो सड़कों पे जो कचरा होता है वो खाती है। हम अब तस्वीर वो भी दिखाते हैं कि गाय को किस तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि अलग अलग जो बीमारियां हैं वो ना हो। लेकिन अब देखिए तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो इनकी स्थिति है। आप देखिए गंदगी अलग और उसके बाद से इनका स्थिति देखिए वो अलग। शाम में इनको लेकर जाती होंगी, जाता होगा लोग और इनका गाय दूह के निकल जाता होगा और उसका छोड़ देता होगा, फिर सुबह लेके जाता होगा और गाय दूह के छोड़ देता होगा। ये हम देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, फिर से एक बार कहेंगे अमित से कि दिखाइए आप उधर किस तरीके से जो सड़कों पर कचरा है उसको खा रही है ये। और कहीं ना कहीं ये पूरा दोष जो है वो गाय रखने वाले का तो है ही, गाय जो रखते हैं उनका तो दोष है ही, और सबसे बड़ा दोष हमारा आपका भी है कि हम ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनको ये समझाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं कि आप ऐसा काम बिल्कुल मत करिए। और एक वन विभाग का भी ऐसा होना चाहिए कि अगर सड़कों पर ऐसा लोग ऐसा गाय दिखे तो आप उसको सीधे लेकर जाइए। अगर डेली 100, 150, 200, 400 गाय जाने लगेंगी तो जो लोग होंगे, ग्वाला लोग होंगे या फिर जो भी लोग होंगे जो गाय रखते होंगे और ऐसे सड़कों पर छोड़ देते होंगे, वो कुछ सचेत हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। ऐसे तो भारत में गाय को माता माना जाता है, लेकिन अब ये एक व्यवसायिक और धंधा के रूप में लोग उपयोग करते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।